हेलो गाइस, वेलकम टू सुषमा लाइफस्टाइल। चलिए मेरे बगिया में, ये छोटे से बगीचे में मिलवा के अपने पौधों से। देखिए ये नया मेंबर आया है, रेड हिबिस्किस फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत सुंदर है। आज हम इनको फर्टिलाइजर देंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ये है सेब, आलू और ये चाय पत्ती, उबली हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती जो बनाते हैं उसी में से छनी हुई है, बाद में धो लिया अच्छे से ताकि चीनी का असर खत्म हो जाए। और ये मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, फ्लावर के लिए भी, जो भी फ्लावर वाले प्लांट है उसमें हम इनको डालेंगे। मैगी, हाँ ये मेरी मैगी, इसको प्लांट्स के साथ बातें करना बहुत पसंद है। हंस रही है, देख रही है सब कुछ हम क्या कर रहे हैं। और देखिए ये हमारा तरबूज के छिलके, हमने कोई भी चीज ऐसी नहीं ली है जो जिसमें हमारे पैसे वेस्ट हो, बहुत खर्चा हो। तरबूज हमने खाया, उसके छिलके रख लिए और ये छिलकों का पानी है, रात भर भिगो कर रखा है। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, इसको हम पौधों में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। नो चमचम, नो नहीं बेटा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा पानी, जैसे एक दिन हमने तरबूज का पानी डाल दिया, फिर नेक्स्ट वीक हम उसमें प्याज के छिलके का पानी डाल देंगे। ये देखिए ये हमारा प्याज के छिलके हैं, बहुत अच्छा पानी डाल रहे हैं प्याज के छिलके। उसको हमने जो भी प्याज हमने यूज की किचन में उसमें पानी डालकर उसको अच्छे से पका लिया है, उबाल लिया, बहुत अच्छे से कटवा लिया। उसके बाद ये हमारा फर्टिलाइजर बन के तैयार हो गया है। छिलके हम इसमें से निकाल देंगे और बस ये हमें पानी चाहिए। ये कितना अच्छा कलर आया, ये यही हमारे इसमें सारे गुण आ गए हैं। किसी किसी प्लांट में मैं ये प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर डालूंगी क्योंकि इसमें स्मेल होती है, तो हम इसे तुलसी में नहीं डालते हैं, बाकी और प्लांट्स में डाल देंगे इसे। मैगी इधर आ जाओ बेटा, चमचम चमचम कहाँ है। और एक ये केले का छिलका, छिलके को भिगो कर रख दिया है और ये उसका फर्टिलाइजर बन गया है। छिलके हटाकर ये पानी निकालेंगे, किसी दिन ये डाल देंगे हम अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा। ये सब हमने घर की चीजों से ही बनाया, हमने कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा, कोई खाद नहीं। और मैं अपने सारे प्लांट्स की केयर अपने घर से बनाई हुई खाद से करती हूँ, वहां से कुछ नहीं खरीदती। मैं इसमें डाल दिया, पानी डाल दो और उसको मिक्स करके इसमें अलग अलग पौधों में डाल दीजिए। तो मनी प्लांट में हमने डाला है चाय पत्ती, बहुत अच्छा काम करेगी इसकी ग्रोथ के लिए। इसे मनी प्लांट का धुना हो जाता है।
एक और फर्टिलाइजर है मेरे पास, ये है चावल का पानी। चावल और दाल जो हम बनाते हैं उसी का पानी है, धोने के बाद जो हम फेंक देते हैं वेस्ट में, उसको फेंकने की बजाय हम इसे पौधों में यूज करेंगे। इससे ये बहुत अच्छा कीटनाशक है, इसे पौधों में जो कीट आएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये भी हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। बस ये ध्यान रखना कि एक हफ्ते जैसे हमने किसी पौधे में प्याज का पानी डाला है तो उस पौधे में अगले हफ्ते हम दूसरा फर्टिलाइजर डालेंगे। एक साथ सारे फर्टिलाइजर नहीं डालने हैं, अलग अलग डालना है। अभी मैं ये डाल रही हूँ दाल और चावल का, धोने के बाद जो पानी बचता है इसे हम किसी भी पौधे में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। लेमन ग्रास है, सदाबहार का प्लांट, तुलसी मैया, सबको ये फर्टिलाइजर डालेंगे जिससे कि कीटाणु ना आए। ये कीटनाशक है, बहुत अच्छा कीटनाशक है। हम जो सब्जी धोते हैं उस पानी को भी हम पौधों में डाल सकते हैं। अभी मुझे कुछ आप क्या यूज करते हैं मुझे भी कमेंट करें, कोई नई चीज बताएं, बाकी मैं भी अपने गार्डन में कुछ करके देखूं, कुछ अच्छा सा हो। बाकी मैं सब कुछ अपने घर से ही बनाती हूँ, ये सब कलम से ही लगाए हुए मैंने प्लांट है। कटिंग ले आती हूँ मैं, कहीं भी कोई कटिंग मिल जाए तो मैं कटिंग ले आती हूँ, उसी से मैं अपना प्लांट बनाती हूँ। ये स्पाइडर प्लांट, इसमें से एक मैं एक प्लांट लेकर आई थी और उसी में से बहुत सारे प्लांट मैंने तैयार कर दिए और अभी फिर से तैयार हो गए। ये मैं अलग अलग निकाल दूंगी, थोड़े से रोड बड़े बनाएंगे और उसमें मैंने बाहर से कोई खाद नहीं डाली है, कुछ भी नहीं डाला है। सब्जियों के छिलके से, फलों के छिलकों से बनाते हैं, सेब का छिलका, सेब के छिलकों को भी हम रात भर भिगो के रख देंगे और ये पानी हम यूज़ करेंगे पौधों में डालने के लिए। इसी तरह आलू का छिलका, आलू के छिलके को भी हम रात भर भिगो के रख देंगे और उसको सुबह अगले दिन हम जब डालेंगे तो बहुत अच्छी खाद का काम करेगा, बहुत अच्छा कीटाणुनाशक होगा। चमचम क्या देख रहा है बेटा? नो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इस पर कीटाणु आ गए हैं, ये देख रहे मिलीबग आ गए हैं, तो अब ये पौधा खराब हो गया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा कटिंग कर दूँ ताकि चल जाए, नहीं चलेगा तो मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, हो सकता है ये ठीक हो जाए थोड़ा। मैरीगोल्ड का प्लांट है ये, गेंदे का, मैं टाइम टाइम पर कटिंग करते रहना चाहिए, कटिंग करने से पौधों की ग्रोथ बढ़ती है। ये बताते कटिंग करके हटा दिए, छोटे छोटे प्लांट पर फ्लावर आने लगे तो उनको मैं कटिंग कर रही हूँ। ऐसे ही जो मेरा है देखें मोगरे का प्लांट, इसमें भी मैंने इसमें देखिए
फ्लावर शुरू हो गई है, फ्लावर आए थे अभी, छोटे छोटे फ्लावर आने लग गए हैं। इसको भी थोड़ा पिंचिंग कर देंगे, ऐसे करके पिंचिंग कर दीजिए। पिंचिंग करने से पौधा घना हो जाता है, फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी। फूल आते हैं और उग जाते हैं, उनको हटा देना चाहिए ताकि फिर नए फूल आ सकें और पौधों को कि जो ताकत खींच रहे हैं वो दूसरे फूल आने में लगे, पूरा पोषण मिल सके पौधे को। और इस फ्लावर से ही मैं मोगरे का नया पौधा बनाऊंगी। कटिंग से ही लगाया था मैंने ये पौधा और अभी इसके फ्लावर से ही मेरे को और पौधे मिल जाएंगे। कैसे लगाना है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। फ्लावर से मैं प्लांट बनाने का तरीका आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम उसमें फर्टिलाइजर बनाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बिजी थी, टाइम नहीं मिला मुझे। वैसे मैं भी चली गई थी तो मैं उसके बाद कर गई, थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी तो मैं अपने पौधों को टाइम नहीं दे पाई और मेरे पौधे थोड़ा सूख गए, इसलिए बस आज इनको इनके दवाई देंगे। दवाई यही एक तरह की पौधों की, टाइम टाइम पर जैसे हमें चाहिए होता है ऐसे ही पौधों को भी चाहिए। बताऊंगी मैं आपको मोगरे का नया पौधा कैसे तैयार करें, सिर्फ फूल से, कटिंग से तो हम कर ही लेते हैं, फूल से भी नया पौधा उसके लिए मेरी आप देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय। मिट्टी गाटनी ये देखो मिट्टी खा रही है, ये देखो पकड़ गई मिट्टी खाती हुई।